सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसा सभी लोग। एंड आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेंगार का गेम प्ले। और ये बिल्ड मैं कुछ रखने वाला हूँ जो कि है अपना वाइस ग्लासेस, अपना स्कोर चॉइस पैक्स, एंड मैं सोच रहा हूँ फोकस बैंड रखूँ। शेल बेल से अच्छा फोकस बैंड ही, चलो देखते हैं ये बिल्ड कैसा वर्क करने वाला है। एंड यार मुझे थोड़ी सी खांसी है तो मैं उतना जल्दी आज इस मैच में उतना बोलने नहीं वाला हूँ, बाकी आप वीडियो का एंजॉय करो। एंड ये जो गेंगार का बिल्ड है ना, वो ब्रोकन एब्जोल को काउंटर कर सकता है। जी हाँ, ये जो बिल्ड है वो ईजिली किसी एब्जोल को वन शॉट कर सकता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा एब्जॉल जंगल ले रहा था, इसलिए मैंने सोचा यार हम जंगल नहीं लेते, क्योंकि अगर मैं जंगल लूँगा ना तो दोनों ही पोकेमॉन को जंगल नहीं मिलेगा और दोनों ही लेवल अपने यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो एक काम करते हैं, मैं और डेसिडो ऊपर टॉप सोलो करने वाले, सोलो तो नहीं टॉप डुओ आप कह सकते हो। मचैम्प आ गया, मुझे पता है मचैम्प अटैक वेट वाला बिल्ड लेके आया इसलिए स्टैक कर रहा है। आजा मचैम्प, लिक से तेरे को पीछे खींचूंगा, लिक आजा, चाट लेता है, सब गेंगार चाटता है भाई, आजा आजा, लेट्स गो, खत्म। और गेंगार का एक जी यार, मैं गेंगार को अपना मेन बनाने का प्लान कर रहा हूँ। लाइक मतलब आजकल मैं गेंगार से बहुत ज़्यादा अच्छा खेलने लगा हूँ, तो मैंने सोचा अपना गेंगार को ही नेक्स्ट बिल्ड बनाते। एंड ये वाला बिल्ड एक्चुअली लग तो काफ़ी अच्छा रहा, बाकी देखते क्या होते हैं। एंड मैंने यहाँ पे एब्जॉल का चुराने वाला था, लेकिन एब्जॉल ने चुरा नहीं दिया, ये चुरा लेते एटलीस्ट, लेट्स गो। यहाँ पे उनका डिसीड है, लिख से पीछे करो, आजा एब्जॉल जल्दी यार। अरे यार एब्जॉल इतना लेट आता है, मारा बहुत बढ़िया एब्जॉल, एक गया उसको ही मार देना, मैं तब तक इसको संभालता हूँ। आजा किधर तक भागेगा मेरा, उसका इफेक्ट है ना अनस्टॉपेबल वाला, आजा आजा, गोल कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल कर दे, इसका किल डिसीडा किल मत लेना, मार दे मार दे मार दे। अरे वाह एब्जॉल बहुत बढ़िया, वैसे मेरा किल चोरी हो गया पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अरे अरे बड़े बेकार हो रहे हो। हाँ ड्रीम ईटर भाई, तुम्हें बता रहा हूँ ड्रीम ईटर ने शैडो बॉल का जो कॉम्बो है, लेट्स गो, ईजी खत्म। अरे गया नहीं, फोकस बैंड है, लेट्स गो, केओ स्ट्रीक 2। एंड यहाँ पे 30 पॉइंट हो गए, लेकिन मचैम्प है तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला, इसलिए काम करते थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आजा भाई कॉर्फिश ले लेता हूँ, मचैम्प आया, ओह मचैम्प को देखना फाइट करने आ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा मैं तेरे से ज़्यादा लेवल का हूँ, लेट्स गो खत्म। एंड यहाँ पे हम लोग फाइनली 30 पॉइंट अच्छे से स्कोर करने वाले, कोई आना मत बस, चलो भाई स्कोर तो हो गए। एंड वहाँ पे एक एब्जॉल उसको मारते, अरे वाह हमारा एब्जॉल काफ़ी अच्छा है, मार भी दिया, शैडो बॉल खुल गया भाई, शैडो बॉल और ड्रीम ईटर। आपको क्या कॉम्बो के लिए आपको पहले शैडो बॉल मारना है फिर ड्रीम ईटर मारना है और वापस आपको शैडो बॉल रीसेट हो जाएगा, जो बहुत ही सही चीज़ है। या फिर यार ड्रीम ईटर मार के भी शैडो बॉल कर सकते हो जिससे रीसेट होगा, सो बहुत मस्त बात है यार। एंड शैडो बॉल एक बार रीसेट हो गया कोई टेंशन ही नहीं है, लेट्स गो, देख रहे दोनों को क्या मिल के मार रहा हूँ भाई, मारने वाला हूँ मैं, फोकस बैंड नाइस, फोकस बैंड ने बचा लिया, मारूँ क्या थोड़ा थोड़ा ऐसे, लेट्स गो, एक गया तू भी जाएगा, डिसीडर तू भी जाएगा, लेट्स गो भाई गजब है गेंगार। और एक बार यूनाइट भाई, मैंने लिटरली 3 या 4 लोगों को डाउन कर दिया था, चलो हमारा एब्जॉल भी काफ़ी अच्छा है, क्यों स्ट्रिक 2 नाइस। मैं एक काम करता ना, 9 लेवल का हो ही जाता हूँ, क्योंकि लेट्स गो, चुराओ क्या, नहीं चुराते छोड़ो, पता चला मचैम मारने लग गया, देखो डिसीडर आ गया ना, ओ डिसीडर उनका रेजर लिफ्ट लिया है भाई, थोड़ा सा मैं अपने बेस की ओर चला जाऊँ, अब आ जा, अब बता रहा हूँ मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला, ये ले भाई, इतना कॉन्फिडेंस मिलता है ना गेंगार से, चल खत्म है मचैम गया, अब तेरी बारी है डिसीडो आई, खत्म है, लेट्स गो केओ स्ट्रीक 2। एंड अभी के लिए तो मैच काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, बाकी डिसीडो ने मेरे 700 से रोटोम स्टील कर लिया, पुश करे क्या रोटोम यार, मेरा डिसीडो वाला घटिया है, आ नहीं रहा पुश करने भाई, एब्जॉल देख रहे हो क्या मार रहा है, मैं और एब्जॉल पूरे स्ट्रीक पे स्ट्रीक किए जा रहे हैं। यूनाइट मूव मैं वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, या डाल दूँ यूनाइट मूव, चलो डाल ही देते यार, ट्राई करते हैं इन लोग को मारने का, लेट्स गो डिसीडो आई, ये बॉय मचैम की तो मैंने बहुत ही कम कर दी हेल्थ, मारने वाला हूँ मैं, मुझे ठीक है पता था यार मारने वाला, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैं अभी तक नीचे एक बार भी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे टीममेट्स काफ़ी अच्छे हैं। अरे डिसीडो आई, चलो लेट्स गो, डिसीडो भी गया मचैम भी गया, मुझे लगता है ना मचैम और डिसीडो दोनों एक साथ खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हमेशा ऊपर ही, दोनों में से कोई नीचे गया ही नहीं। एंड आप देख सकते हो मेरे 7 खेल एंड 4 का सपोर्ट है, एब्जॉल शायद 10 से ज़्यादा खेले, एब्जॉल मेरे से अभी बेटर खेल रहा है, लेकिन मैच खत्म होने तक पता चल जाएगा कौन बेटर है, मैं ऐसा मेरे पास कॉन्फिडेंस है ना, बता रहा मैच खत्म होते तो पता चल जाएगा कौन MVP एंड कौन बेटर है। डिसीडो को मार सकता हूँ, मचैम आएगा, आ गया खत्म है मचैम, मचैम गया, अगर इनके जिसने यूनाइट नहीं चलाया तो ये खत्म है, नहीं चला रहा यूनाइट, खत्म है, लेट्स गो। वैसे मचैम ने यूनाइट क्यों नहीं चलाया मेरा ये सवाल है। अरे भाग भाग भाग, लुकारियो ने मेरे को मारा क्यों नहीं यार, थैंक यू लुकारियो यार, मारना मत कभी, अच्छे संस्कार एब्जॉल। अरे मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, मैं एब्जॉल को पता है मैं मार सकता था, देख रहा फिर भी एब्जॉल की कितनी काम हेल्प कर दी मैंने, थोड़ा सा लेट कर दिया, अगर मैं ड्रीम ईटर थोड़ा सा पहले मारता ना तो हो सकता है मैं एब्जॉल को मार देता। अरे कैसे भाई लुकारियो नीचे है, आ जा, जाने वाला लुकारियो खत्म,
भाई तुम वन शॉट कर सकते हो यार, ये तबाही बिल्ड है। इस बिल्ड का नाम मैं तबाही रखने वाला हूँ। तुम लिटरली वन शॉट में किसी को भी ख़त्म कर सकते हो, किसी को भी। अपना अफजल का गजब है भाई, मैं और अफजल लिटरली फोड़ रहे। हमारे बाकी की टीम में बस बहुत ही घटिया है। पूरे टीम में सिर्फ लीसी, अफजल और मैं ही अच्छे टीम प्लेयर्स है। यूनाइट मारूँ क्या? नहीं, अभी नहीं मारने वाला भाई, पता चले कोई आया नहीं, यूनाइट वेस्ट हो गया। मैं यूनाइट वेस्ट नहीं करना चाहता अपना। बाकी ड्रीम मीटर का भी एक रेंज होता है, लेकिन ड्रीम मीटर का काफ़ी ज़्यादा रेंज है तो वो काफ़ी सपोर्टिव है। एंड यहाँ पे इनकी घास में छुपता हूँ, कोई आएगा तो उसको वन शॉट कर दूंगा। चलो भाई रेडनो तो अफजल ने काफ़ी अच्छे तरीके से ले लिया है। बीज लूँ क्या? पता है जब आपको यूनाइट नहीं है ना तो बीज फार्म करो। जब भी आपको यूनाइट लाना है ना जल्दी जल्दी, जब स्पेशली ज़ैपडोस का नेट पे बहुत फास्ट बीज फार्म करो, आप जल्दी से अपना यूनाइट बूफ गेन कर सकते हो। हाँ तो यहाँ पे एक और फिश भी ले लेते हैं। एंड यहाँ पे पिकाचू आ रहा है, पिकाचू को तो वन शॉट कर दूँ मैं। पिकाचू तो जाने वाला है, गया पिकाचू? अरे पिकाचू नहीं गया यार, जल्दी भाग। अरे रे रे पिकाचू गया। अफजल तेरी बारी अब। अफजल पिटा, जल्दी टेलीपोर्ट हो गया। अब देखना भाई, अब मैं तुम्हें कुछ आर्टिस्टिक दिखाऊंगा। गेंगार को कभी चेस मत करना, बता रहा हूँ। लेट्स गो भाई, जीत गए। देखा मैंने वन एच पी क्लच किया भाई। गेंगार और गार्डवर ये दोनों ऐसे पोकेमॉन हैं जिनको आपको कभी भी चेस नहीं करना है। मचाम, अरे मैंने गलती से ड्रीम मीटर को पहले छोड़ दिया। चलो भाई मचाम भी गया। क्या फोड़ रहा हूँ भाई मैं, ब्लीसी और अफजल भाई किंग है इस पूरे मैच के। देखते पर एमवीपी कौन होता है। ब्लीसी तो एमवीपी नहीं होने वाले, मेरे और अफजल के बीच में कंपटीशन है। और गोल करने का ट्राई करो, क्या कोई आएगा? ओ बेचारा अफजल गंदा फंसा भाई। अफजल को देख रहे हो क्या मारा है मैंने और ब्लीसी ने। वैसे ये ब्लीसी शील्ड खेल रहा है या क्या खेल रहा है भाई? क्या मारा हूँ मैं बेचारा अफजल को, वन शॉट कर दिया मैंने। पिकाचू को यूनाइट मूव मारना पड़ा मुझे मारने के लिए, ओपी भाई। पता है ज़ैपडोस के वक्त अगर अपोजिंग टीम में अफजल होना, सबसे पहले आपका अफजल को डाउन करना चाहिए, क्योंकि वो ज़ैपडोस को पूरा रंग बदल सकते हैं। ज़ैपडोस एंड अपना अफजल और सिंड्रस, ये दोनों ऐसे पोकेमॉन है जो रंग बदल सकते हैं। लुकारियो भी गया, अब तेरी बारी है डिसीड भाई, तू भी जाएगा। ये भी गया भाई, फोड़ रहा हूँ मैं लिटरली। तीन की स्ट्रीक है ना? हाँ, चार लोग डेड है, तीन की स्ट्रीक। अफजल ने भी दो तीन लोगों को मारा। लेट्स गो, गोल करके आता हूँ जल्दी जल्दी। 50 पॉइंट्स, लेट्स गो 100। एंड यहाँ पे टू बेस कर लूँ क्या? कर ही लेते हैं। वैसे भी कोई आएगा तो उसको वन शॉट कर दूंगा भाई, इतना तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया गेंगार से। एंड यहाँ पे वेट करते हैं कोई आएगा तो। जल्दी आओ, कोई तो इनका बंदा आएगा। देख रहा 15 किले मेरे, 15। मैंने गलती से यहाँ पे जंप कर दिया, अभी कांड हो जाता। ओ यहाँ पे अफजल आ रहा है ऊपर चला मैं। ओ स्कोर शील्ड हाँ, ये भी गया। लुकारियो तू भी गया। अरे मैंने गलती से उस पर ऊपर डीमीटर मारा था। तू भाई का एक्सपीड का पावर, लेट्स गो। तीन की स्ट्रीक भाई, तुम्हारा भाई ने इस मैच में फोड़ दिया भाई। तू क्या बोलोगे भाई, तुम इतना गजब खेला उस मैच में। मुझे बस देखना है मैं एमवीपी हूँ या अफजल। वैसे हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेले। कौन एमवीपी है भाई? यस मैं एमवीपी हूँ। ब्लीसी का 219 गोल भाई, डैमेज 96,000 डैमेज। ब्लीसी भी हमारा काफ़ी अच्छा था। एंड भाई ज़बरदस्त खेले, 18 किल, 5 का सपोर्ट भाई। ये गेंगार बिल्कुल ट्राई करो तो मैं अफजल का भाई कचूम्बर बना दूँगा। मैं ये बता रहा हूँ भाई, अफजल को वन शॉट कर सकते हो, इतना पावरफुल ये गेंगार का बिल्ड है भाई। भाई बहुत मस्त बिल्ड है, जिसको जरूर से ट्राई करो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय। डार्क यूनाइट को जरूर से फॉलो करना, उसका पहला एपिसोड आ चुका है। चलो भाई अगले एपिसोड में मिलता हूँ। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड जय हिंद।